हेलो बच्चों, एक बार फिर से नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज ये एक ऐसा टॉपिक बोर्ड पे लिखा गया है या इस वीडियो में आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो आप जब तक ले केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक ले ये वाला वीडियो आपके काम आएगा। और उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना। किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किस प्रकार करते हैं, किसी भी तत्व के पहले कोश, दूसरे कोश, तीसरे कोश, चौथे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, किसी उपकोश में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, किसी कोश का निर्माण किन किन उपकोशों से होता है, इन प्रकार के प्रश्नों का उत्तर आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए रामबाण साबित होगा क्योंकि ये वीडियो तब तक ले काम आएगा जब तक के लिए आपके साथ केमिस्ट्री जुड़ा रहेगा। आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को फ्री में कक्षा 11 और कक्षा 12 के केमिस्ट्री का पूरा विस्तार से अध्ययन कराया जाता है, जिसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे मिलता है। और आप लोग कहेंगे तो उसका लिंक, टेलीग्राम का लिंक हम इस चैनल पर भी लगा देंगे, जिससे आप लोग पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर लें। यदि आप लोग पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आज के बाद कोई दूसरी वीडियो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने के लिए देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मेरा दावा है। चलिए देखते हैं, हमने पहले से ही कुछ बना रखा है कि और उसका उपयोग कैसे करते हैं हम इसमें सीखेंगे। देखेंगे क्या ये जो लिखा है 1s, तो ये जो spda लिखा है, यानी जो s लिखा है, p लिखा है, d लिखा है, f लिखा है, इसको हम उपकोष कहते हैं। क्या कहते हैं? उपकोष कहते हैं। और हम जानते हैं ये जो उपकोष होता है इसमें ये ऑर्बिटल के मिलने से बनता है। किससे मिलने से बनता है? ऑर्बिटल के मिलने से बनता है। और s उपकोष में एक s ऑर्बिटल, p में तीन होते हैं, डी में पांच होते हैं, डी में कितने होते हैं? पांच। और एफ में कितने होते हैं? सात। एफ में कितने होते हैं? सात। और हम जानते हैं जो ये लिखा है ये ऑर्बिटल, और यस जो ऑर्बिटल इसमें दो इलेक्ट्रॉन, पी ऑर्बिटल में छह इलेक्ट्रॉन, ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन लिखे जा रहे हैं। उपकोष यस पी डी उपकोष है, एफ उपकोष है। यस उपकोष का निर्माण यस ऑर्बिटल से, पी उपकोष का निर्माण पी ऑर्बिटल से, डी उपकोष का निर्माण डी ऑर्बिटल से, और एफ उपकोष का निर्माण एफ ऑर्बिटल। ये भी यस है, पी डी और एफ है। अब देखेंगे पहले यस उपकोष में दो इलेक्ट्रॉन, पी उपकोष में छह इलेक्ट्रॉन, डी उपकोष में दस इलेक्ट्रॉन, और एफ उपकोष में कितने होते हैं? चौदह। यानी ये जो ऑर्बिटल बना है एक या एक दो तीन, इसमें एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? दो। लेकिन अगर कम है तो कम रहेंगे, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो यानी इन इलेक्ट्रॉनों को दिखाया कैसे जाता है? यस टू P6 D10 और F है 14। इन इलेक्ट्रॉनों को ऐसे दिखाया जाता है, यानी S2 P6 D10 और F है 14। अब देख ला, अगर S में एक इलेक्ट्रॉन तो S1 भी दिखाए, अगर S में पांच इलेक्ट्रॉन है तो S5 भी दिखाए, S में सात इलेक्ट्रॉन है तो D7 भी, ऐसे भी। यानी अगर इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन अगर क्या है, कम है, तो कम भी दिखाया जा सकता है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन है, इनको हम कैसे कैसे भरते हैं, भरने का नियम क्या है? तो हम जानते हैं जो पहले कोश का निर्माण होता है वो यस उपकोश से होता है। पहले कोश का निर्माण क्या होता है? यस उपकोश से। दूसरे कोश का निर्माण यस और पी उप यस उपकोश और पी उपकोश से। तीसरे कोश का निर्माण यस से, पी से और डी से। चौथे कोश का निर्माण यस से, पी से, डी से और यप से। पांचवे का यस पी डी यप, छठवें का यस पी डी यप, सातवें का इतना, मतलब जितना लिखा गया है इतने में ही हमारा 118 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। यानी यहां पर 6F लिखने की आवश्यकता नहीं है, 6D लिखने की आवश्यकता नहीं है। जब तत्व खोजे जाएंगे भविष्य में तब लिखे जाएंगे।
तो अब ये क्या, इसको हम कहते हैं आपबाव नियम। और इसमें हम क्रम क्या है, जैसे 1s लिखा है, ये 1s माने पहला कोश, 2s 2p मतलब दूसरा कोश, 3 लिखने का मतलब है तीसरा कोश, 4 लिखना यानी चौथा कोश, 5 लिखा है तो पांचवा कोश, 6 लिख छठवां, यानी ये जो 1 2 3 4 लिखे ये उस कोश के यश हैं। यानी क्यों यश, यश उपकोश तो यश पी डी एफ ही होते हैं, सब में देखो आ रहे हैं, तो किस कोश का यश है, किस कोश का पी है, किस कोश का डी है, ये लिखा गया। अगर 2 लिख दिया जाए 2s का है, 4 लिख दिया गया तो 4s का है, 5 लिख दिया गया तो 5s का है, ठीक। अब इसमें हम इलेक्ट्रॉन को भरते कैसे हैं, देखिए, जैसे पहले हम इलेक्ट्रॉन, अब यस में कितने, देखिए यस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10, एफ में 14, तो इलेक्ट्रॉन का भरने का क्रम क्या है, तो ये जो पहला यस यानी पहले यस में जाएगा, ऐसे हो गया, फिर उसके बाद किस में जाएगा, 2s में जाएगा, 2s के बाद किसका नंबर आएगा, 2p का, फिर 3s का, ऐसे हो जाएगा, फिर 3, देखिए ऐसे ऐसे मिलाएंगे, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 4s के बाद 3d, देखिए मिल रहा है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए मिल रहा है, फिर उसके बाद 6s के बाद किसका आएगा, 4f का, देखिए मिल रहा है, फिर यानी ऐसे ऐसे हमारा मिलता है, इस प्रकार ये मिल गया। आसानी के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए इसको हम जाने वाला बना सकते हैं, ये जाने वाला कुछ नहीं करेंगे, केवल आते समय मिलाएंगे, देखिए ये जाने वाला है, आते समय ही हमको मिलाना है, कब मिलाना है, आते समय, आते समय ही हम मिलाएंगे, जाते समय नहीं, अगर करना चाहे तो इसे हम कर सकते हैं, देखिए जाते समय कहीं नहीं टच करेंगे, केवल आते समय मिलाएंगे, देखिए मिल गया कि नहीं मिल गया, फिर जाते समय कुछ नहीं कहीं कहीं नहीं टच करेंगे, फिर आते समय हम क्या करेंगे, मिलाएंगे, देखिए मिल रहा है। इस प्रकार इस नियम को हम कौन सा नियम कहते हैं, हुंड का नियम। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पहले देखिए सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, 1s, पहले क्या लिखा जाएगा, 1s, 1s के बाद किसका नंबर है, 2s का, 2s के बाद किसका नंबर, देखिए 2, देखिए 2s के बाद किसका नंबर है, 2p का, 2p के बाद देखिए 2p के बाद किसका है, 3s का, 3s के बाद किसका है, 3p, फिर 4s, यानी 3p और 4s, ध्यान से देखिएगा, 4s हो गया, फिर 4s जाते समय कुछ नहीं, फिर आते समय क्या है, 3d 4p 5s, यानी 3d 4p 5s, फिर उसके बाद 5s के बाद क्या है, 4d 5p 6s, यानी 4d, फिर 4d के बाद क्या है, 4d के, देखिए 4d के बाद 5p, फिर 6s, 6s के बाद क्या हो गया, 4f 5d 6p, 4f 5d 6p, फिर 6p के बाद क्या है, 7s, 7s के बाद किसका नंबर आएगा, 5f, 5f के बाद 6d, 6d के बाद 7p, देख रहे हैं, ये है इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा का बढ़ता क्रम, यानी ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा का क्या है, बढ़ता क्रम है, इस प्रकार हम इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, इसी प्रकार हम इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, भरते हैं, यानी पहले हमारा इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, 1s में, फिर उसके बाद किस में जाएगा, 2s में, फिर 2p में, देखिए पहले बार इलेक्ट्रॉन 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s, फिर 4d, फिर 5p, फिर 6s, फिर उसके बाद 4f, फिर 5d, फिर 6p, फिर 7s, फिर 5f, फिर 6d और फिर 7p, यानी ये है ऊर्जा का बढ़ता क्रम, ये क्या है, ऊर्जा का बढ़ता क्रम है, ये है ऊर्जा का बढ़ता क्रम। अब हम इसी क्रम से किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, चाहे कितना भी तत्व हो, प्रत्येक तत्व का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से कर ले जाएंगे। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एग्जाम्पल हम बताते हैं,
अब हम एग्जाम्पल सीखेंगे कि कैसे किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। चलिए चलिए देखते हैं। हम पहले लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना होता है? परमाणु क्रमांक एक, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने रहेंगे? एक। तो इसका हाइड्रोजन के लिए एक इलेक्ट्रॉन है, तो पहले किस में जाता है? वन, वन के साथ यस, यानी पहले वन यस वन। फिर हीलियम ले लेंगे, हीलियम कितना होता है? दो, तो वन यस टू हो जाएगा। लिथियम ले लो, तीन होता है, तीन के लिए क्या हो जाएगा? देखिए पहले वन यस में कितने इलेक्ट्रॉन? दो। फिर टू यस है, क्या है? टू यस, यानी टू यस हो गया और दो इलेक्ट्रॉन रख दिया गया, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो दो एक कितना हो गया? तीन। बेरेलियम ले लीजिए, चार होता है, बेरिलियम कितना होता है? चार, तो इसका कितना हो जाएगा? वन एस टू, वन एस टू के बाद किसके नंबर आएगा? टू एस टू। देखिए हम पहले से ही बता रखे हैं, यस में कितने इलेक्ट्रॉन? दो। पी में कितने? छः। डी में दस। और एफ में कितने? अधिकतम। ये कितने होंगे? अधिकतम, यानी इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, अगर कम है तो कम है, रह सकते हैं। और देखिए बोरान ले लीजिए, पाँच होता है, इसका करिए 1s2, 2s2। अब देखिए 1s2, 2s2 तो हो गया, फिर किसका नंबर आएगा? 2p का। p में कितने? 6 होते हैं, लेकिन हमारा 2, 2, 4 आवश्यकता एक की है, तो कितना हो जाएगा? p1, तो बोरान का हो गया। इसी प्रकार किसी भी तत्व का, चाहे पहले तत्व का हो, चाहे 118वें तत्व का हो। चलिए और देखते हैं, सोडियम का ले लीजिए, 11 होता है, 11 करिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 1s2, 2s2, फिर 2s2 के बाद किसका आएगा? 2p। p में कितने होते हैं अधिकतम? 6। अब देखिए 2, 2, 4, 6, 10 हो गया, अब एक और बचता है, तो 2p के बाद किसका नंबर है? 3s का, 3s है 1, 2, 2, 4, 6, 10, 1, 11। कैल्शियम का 20 होता है, करिए 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, फिर 3p के, 3s के बाद 3p, 3p6, उसके बाद 4s, 4s2 कितना हो गया? 2। इस प्रकार हमारा कितना हो गया? 20। जिंक का ले लीजिए, 30 होता है, जिंक का करिए, तो 20 का तो ये लिखा गया यार। चलिए 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6, फिर 4s2। देखिए कितना हुआ? 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20 और 3d 10। 3d देखिए 3d में गया कि नहीं? 3d 10, यानी कितना हो गया? 30। इस प्रकार हम किसी भी तत्व का, इस प्रकार हम किसी भी तत्व का इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। और अगर ये क्रम नहीं याद हो, तो इस तरह हम बना के 5 मिनट के अंदर किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से लिख सकते हैं। तो आप लोग, उम्मीद है आप लोग जान गए होंगे कि यस उपकोष में कितने आर्बिटल, पी उपकोष में कितने आर्बिटल, डी उपकोष में या एफ उपकोष में कितने आर्बिटल होते हैं, और किसी आर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, या किसी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और आप लोग इन्हीं के माध्यम से किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीख गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। हमारे चैनल पे पहली बार आए हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कक्षा 11 और 12 के केमिस्ट्री और जीव विज्ञान का पूरा 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 सिलेबस आप लोगों तक प्रत्येक वीडियो के साथ आसानी से पहुँचता रहे, और वो भी फ्री में। पूरा पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी क्रम में एक नए वीडियो के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।